व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। ये कहानी है एक टीनेजर लड़की क्लारा की, जो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक रेगिस्तान में कुछ पौधों को ढूंढने जाती है, लेकिन वहाँ उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती है जो कि उसे खुद की जान लेने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो कहानी शुरू होती है क्लारा से, जिसे कुछ दिन पहले ही पता चला है कि एक रेगिस्तान के किनारे कुछ ऐसे प्लांट्स उग रहे हैं जिससे नशे की चीज़ें बन सकती है, और इसीलिए वो उन पौधों को ढूंढने के लिए सीधा रेगिस्तान की धूल में पहुँच जाती है और उसे कुछ सैंपल अपने पास रख लेती है। वहीं दूसरी ओर हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो किसी की लाश को उसी एरिया में गाड़ रहा था, और फिर वो किसी अनजान शख्स को कॉल करता है और कहता है कि इसका काम ख़त्म हो गया है, अब हमें एक दूसरा पायलट चाहिए। अब इसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये आपको कहानी के आखिर में पता चल जाएगी। अगले दिन क्लारा फिर से उस प्लांट के और सैंपल लेने के लिए निकलती है। इस बारी वो काफ़ी दूर आ चुकी थी, लेकिन ये आने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी हम एक एरी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बाइक राइड कर रही थी। एरी असल में यहाँ के शेरिफ की बेटी है। वो क्लारा को देखकर शॉक थी कि आखिर वो इस सुनसान बीहड़ में क्या कर रही है। तो वो उसे बताती है कि मैं यहाँ पे एक रिसर्च करने के लिए आई हूँ, पर तुम यहाँ बाइक राइड क्यों कर रही हो? और वो भी अपना जवाब देती है कि मेरे डैड को पता ना चले कि मैं स्कूल बंक करी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। अब उन दोनों में काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है, जिसके बाद दोनों साथ में ही उस प्लांट को ढूंढना शुरू करते हैं और फिर साथ में बैठकर काफ़ी बातें भी करते हैं, जिसमें एरी बताती है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। वो और उसके डैड अकेले एक साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें काम से फुर्सत नहीं मिलती, और इसीलिए मैं यहाँ पर राइड करने के लिए आ जाती हूँ। कुछ समय के बाद वो चली जाती है, लेकिन क्लारा अभी भी वहीं थी। उसे कुछ और ढूंढना था, पर कुछ समय के बाद अंधेरा हो जाता है और वो भी जाने लगती है। लेकिन उसी दौरान अचानक से उसे आसमान में एक प्लेन दिखता है जो क्रैश होकर गिर रहा था। अब उसे देखकर वो बहुत डर जाती है और फौरन कार से उसी क्रैश वाले साइट पर पहुंचती है। अब यहाँ प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो चुका था, लेकिन उसका पायलट थॉमस अभी भी जिंदा था। और तभी क्लारा की नजर पड़ती है पास में गिरे कुछ पैकेट्स पर, जिसमें ड्रग्स थे। पहले तो वो उसे बचाने की सोच रही थी उस पायलट को, लेकिन अब वो समझ जाती है कि ये आदमी किसी तरह का स्मगलर है और इसीलिए यहाँ से भाग जाना इस समय सही होगा। वो कार स्टार्ट करती है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती, थॉमस उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उनकी कार एक गड्ढे में फंस जाती है। अब यहाँ क्लारा थॉमस के कब्जे में थी, वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है, लेकिन यहाँ क्लारा दिमाग लगाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम इस समय कहाँ पर हो? वो कहता है कि नहीं, तुम बताओ कहाँ पर हूँ। तब क्लारा बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा सकती हूँ, यहाँ से रोड कुछ ही दूरी पर है, क्योंकि मुझे इस जगह के बारे में अच्छे से पता है। हालांकि दोस्तों ये झूठ होता है, लेकिन उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब थॉमस समझ जाता है कि वो सही कह रही है, इसलिए वो सबसे पहले तो उसे सारे पैकेट्स उठवाता है और उन्हें कार में रखवाता है, और फिर उसके हाथ पैर बांध देता है। लेकिन कार में बैठते ही क्लारा मैप को छुपा लेती है, क्योंकि अगर वो उसके हाथ लग गए तो उसे रास्ता पता चल जाएगा और वो पक्का उसे मार देगा। उसकी कार में एक चाकू भी था, उसे भी वो हटाने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर थॉमस आ जाता है और दोनों फिर निकल जाते हैं। उधर हम वही अनजान शख्स को देखते हैं जो कि सप्लायर है। वो कहीं फ़ोन लगाकर कहता है कि अभी तक प्लेन क्यों नहीं आया। तब उसे पता चलता है कि वो तो कब का निकल चुका है। ये आदमी जिसका नाम जॉर्ज है, वो अब थॉमस को ढूंढने के लिए निकल जाता है अपने पार्सल के पीछे। यानी कि अब ये कहानी तीन लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, थॉमस, जॉर्ज और क्लारा। वहाँ क्लारा थॉमस से पूछती है कि जब हम सैल्टन सिटी पहुँच जाएंगे तो वहाँ जाकर क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता, जिससे कि उसके मन में डर और बढ़ने लगता है। तो वो कहती है कि मेरे पास दो बैग्स हैं, तुम वहाँ पहुँचने पर उन पैकेट्स को उस बैग में रख देना और फिर अपने रास्ते चले जाना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी। पर यहाँ थॉमस उसके बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था और उसे किसी और बात की टेंशन थी। उसकी चुप्पी से क्लारा और घबराने लगती है और कहीं वो उसे मार ना दे, और इसी चक्कर में वो पैनिक हो जाती है और हो जाता है कार का एक्सीडेंट। यानी कि अब आगे का जितना भी रास्ता है इन्हें पैदल ही तय करना होगा। थॉमस कहता है कि सारे पैकेट्स को फौरन बैग में भरो, हम लोग अब आगे पैदल ही चलेंगे। पर वो मना करती है और बताती है कि ऐसे तो हमें रेगिस्तान पार करने में कई दिन लग जाएंगे और तुम्हारे पैर में चोट भी लगी है देखो। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और बस निकल जाता है। पर जाने से पहले क्लारा उस चाकू को अपने सॉक्स में छुपा लेती है अपनी सेफ्टी के तौर पर। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब जॉर्ज ने ट्रक खड़ी कर दी है और वो अपनी कार से रेगिस्तान के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ताकि उसे वो प्लेन और पैकेट्स मिल सकें। अब वो उन पैकेट्स के लिए किस हद तक जा सकता है, ये हमने कहानी की शुरुआत में देख लिया था। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है थॉमस और क्लारा पर, जो पूरी रात बस पैदल ही चलते रहते हैं। लेकिन अब इनके ऊपर सूरज अपना कहर बरपा रहा है, जिसकी वजह से इनकी हालत अब खराब हो रही है। यहाँ थॉमस और चलने को कहता है क्योंकि उसे जल्दी से उस जगह पर पहुंचना है, पर क्लारा की हिम्मत ने जवाब दे दिया।
इसलिए वो वहीं रुककर थोड़ा आराम करने को कहती है। कुछ खून के धब्बे भी थे और तभी वहां पर दो राइडर्स आ जाते हैं जो उनसे पूछते हैं कि वो ट्रक किसका है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो लोग थोड़ा पानी पीते हैं, पर जब थॉमस सूसू करने के लिए जाता है तो क्लारा इसी का फायदा उठाती है और वहां से भागना शुरू कर देती है। यहाँ उसे लग रहा था कि वो खुद की जान बचा लेगी, लेकिन होता इसका उल्टा है। ऐसा करके उसने थॉमस को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया था। अब वो उसे कुछ ही देर में पकड़ लेता है और अब तो उसने उसके दोनों हाथों को भी बांध दिया है, उसके ऊपर बैग को लाद दिया है जो कि काफी भारी है। उधर हम शेरिफ एलेक्स को देखते हैं जो कि एरी के डैड है, जिन्हें न्यूज से पता चलता है कि बोरेको के रेगिस्तान में लोगों को एक लाश मिली है जिसे कुछ जानवरों ने जमीन से बाहर निकाल कर आधा खा लिया है। उसी दौरान उसे एरी भी मिल जाती है जो कि अपने स्कूल जा रही थी, लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहना था अभी, जिस वजह से वो उसे बहुत डांटती भी है। लेकिन यहाँ पे एरी उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देती, जिससे ये साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच में उतनी खास बॉन्डिंग नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसी दौरान एलेक्स के पास हॉस्टल से कॉल आता है कि क्लारा 2 दिन से हॉस्टल नहीं आई है। ये नाम सुन के एरी फौरन कहती है कि अरे मैं तो क्लारा से कल ही मिली थी, हमें इसे जल्दी से ढूंढना चाहिए, बहुत ही अच्छी लड़की है वो। वो दोनों ही उसके हॉस्टल जाते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें क्लारा कहीं दिखाई नहीं देती। हालांकि उसका सामान तो वहीं पर था, लेकिन वो गायब थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि उसके साथ कुछ तो हुआ है। लेकिन यहाँ पे एलेक्स अपनी बेटी को स्कूल भेज देता है क्योंकि उसे लेकर वो इतने बीहड़ इलाके में घूम नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज जो कि बड़ी ही मुसीबतों के बाद उस क्रैश प्लेन के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे बचे हुए पैकेट्स भी मिलते हैं और साथ में कुछ गोलियों के शेल भी। ये सब देखकर वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ तो हुआ है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि थॉमस अभी भी जिंदा है और इसीलिए वो उसे ढूंढ के रहेगा। उसकी नज़र जमीन पे लगे टायर्स के निशान पर पड़ती है जो कि असल में उसे क्लारा की ओर लेकर जा रहे थे, और कुछ ही दूर जाकर उसे वो कार भी मिल जाती है जिसके चारों गेट खुले थे और उसमें क्लारा का सामान भी था। जॉर्ज उनसे झूठ बोलता है कि उसे आते हुए ये दिख गया। क्या उन दोनों ने किसी और को देखा है आसपास? वो दोनों पुलिस को कॉल करने की बात करते हैं और ये बात जॉर्ज को पसंद नहीं आती, इसलिए वो दोनों को मार देता है और उसी कार के पास छोड़कर चला जाता है। अब उसका एक ही मोटिव है, उसे कैसे भी करके थॉमस को उन पैकेट्स को ढूंढना है क्योंकि उसमें करोड़ों का सामान है। पर वहां थॉमस के पैर में जो चोट लगी थी उसने अब इन्फेक्शन होना शुरू हो चुका था, इसलिए वो सही से चल नहीं पा रहा था। क्लारा कहती है कि क्यों ना हम यहीं पर रुककर थोड़ा आराम करें, लेकिन यहाँ पे थॉमस को जॉर्ज का अंदेशा है। उसे अच्छे से पता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा होगा और इसी कारण वो यहाँ पर रुक नहीं सकता। लेकिन क्लारा उसे समझाती है कि अगर हम लोग चलते रहे तो धूप और इन्फेक्शन से मारे जाएंगे, या फिर हमें अपने रास्ते को चेंज करना होगा क्योंकि आगे कोई पहाड़ नहीं है। अब थॉमस यहाँ पर कहीं ना कहीं थक चुका था, इसलिए वो मान जाता और वहीं छांव में दोनों आराम करने लगते हैं। अब क्लारा उसे पूछती है कि तुम्हारा प्लेन आखिर क्रैश कैसे हुआ। वो बताता है कि इंजन स्टॉप होने की वजह से। वो प्लेन अच्छा नहीं था, हम छोटे प्लेन इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो रडार पर नहीं आते। अब सीन कट होता है और हम एलेक्स को देखते हैं जिसे अपने लोगों से पता चल चुका था कि आखिर किस जगह पे क्लारा की कार है, इसलिए वो फौरन वहां पहुंचता है और कार के पास उसे वही दो राइडर की लाश मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये जरूर बहुत बड़ा गेम चल रहा है। अब यहाँ से वो वापस अपने स्टेशन जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ जॉर्ज की एक कार के टायर के निशान दिख जाते हैं। अब वो जॉर्ज का पीछा करना शुरू करता है। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होकर उन दोनों को ढूंढ रहा था, तभी उसे एलेक्स की कार दिख जाती है तो वो फौरन ऊपर जाने लगता है, लेकिन एलेक्स को पता चल गया था इसलिए वो भी अब तैयार था। इतने में उसके हाथ में एक गोली लगती है जो कि जॉर्ज ने चलाई थी, इसी चक्कर में उसका नेम बैंड भी वहीं गिर जाता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो जाकर एक खाई में गिरता है। दिन जॉर्ज उसके पास आकर देखता है तो उसे सिर्फ वहां ऊंची ऊंची खाइयां दिख रही थी। उसे लगता है कि शायद वो मर चुका है, इसलिए वो सबसे पहले तो जाकर उसके रेडियो को तोड़ता है और फिर उसके ट्रक को ठिकाने लगा देता है। इधर क्लारा और थॉमस पिछले कई घंटों से बस चले जा रहे हैं, अब उनकी हालत ने जवाब दे दिया है क्योंकि इनके सामने एक पहाड़ आ चुका है, ये रास्ता यहीं खत्म होता है। थॉमस कहता है कि हमें इसे चढ़कर दूसरी तरफ जाना होगा, पर यहाँ क्लारा कहती है कि हमें यहीं पर आराम करना चाहिए और कल सुबह होते ही हम लोग इस काम को करेंगे। लेकिन थॉमस को अभी चलना था क्योंकि उसके पास समय की बहुत कमी है, इसलिए वो उसके हाथ को खोल देता है और चलने को कहता है। हालांकि कुछ देर बाद थॉमस की जान बस जाने वाली थी, लेकिन क्लारा उसे बचाती है और आधी रात को वो लोग फाइनली ऊपर तक पहुँच जाते हैं। उधर जब ड्यूटी खत्म होने के बाद एलेक्स घर नहीं पहुंचता, वैरी को उसकी फिक्र होने लगती, इसलिए वो सीधा यहाँ से पुलिस स्टेशन पहुंचती है कि शायद उसके रेड वहां पर हो। लेकिन वहां पर सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे, पूरा पुलिस स्टेशन खाली था। वो यहाँ समझ जाती है ये जरूर उसके डैड क्लारा को ढूंढने के लिए गए होंगे और वहीं उनके साथ कुछ हो गया होगा। अब वो फौरन अपनी बाइक उठाती है और निकल जाती है अपने डैड को ढूंढने के लिए। उसी जगह जाती है जहां पर क्लारा से पहली बार मिली थी। इधर दूसरी तरफ अंधेरा हो चुका था, इसलिए दोनों ने आग जलाई थी, लेकिन इनके पास अब कुछ खाने को नहीं और ना ही पीने को पानी, और इन्हें अब आगे आने वाले दिन घंटे ऐसे ही गुजारना होगा।
दोनों एक साथ पहली इतनी फुर्सत में बैठे थे और आज इतनी दिनों बाद इन्हें एक दूसरे का नाम पता चलता है बातों बातों में। अब यहाँ थॉमस अपने बारे में कुछ बातें बताता है, जैसे कि वो एक टीचर है लेकिन उसके डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए पैसों के लिए वो ये काम कर रहा है ताकि उसे जो भी पैसे मिले वो उनका इलाज करवा सके। वो ये भी बताता है कि कभी कभी हमें मजबूरी में गलत काम करना पड़ता है। वहीं क्लारा भी उसे अपने हाथ में बटरफ्लाई टैटू दिखाती है और कहती है कि ये मैंने अपनी छोटी बहन की याद में बनवाया था, उसकी पिछले साल मौत हो गई लेकिन सभी लोग उसका जिम्मेदार मुझे मानते हैं क्योंकि उस समय मैं उसके साथ थी। उन लोगों के लिए ये सब बातें मुझे इतना दर्द देने लगी हैं कि मैंने अपना घर छोड़ दिया और तब से मैं ऐसे ही भटक रही हूँ। वेल, ये सीन देखकर हमें एक लाइन याद आती है कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। अब यहाँ दोनों दिल के अच्छे थे लेकिन उनकी मजबूरी ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। उधर एरी अपने डैड को बेताबी से ढूंढ रही है लेकिन उन्हें वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। अब देर रात हो गई थी इसलिए उसे डर लगने लगा था, तभी उसे अपने डैड की नेम प्लेट मिलती है जिसके बाद वो उसी जगह खड़े होकर चिल्लाने लगती है और लकीली एलेक्स को उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है। वो भी उसे आवाज़ लगाता है और कुछ इस तरह से दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं। एरी उन्हें रस्सी के जरिए ऊपर खींच लेती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देर रात जब थॉमस सो जाता है तो मौका देखकर क्लारा चाकू से अपनी रस्सियां काट लेती है और फिर वहां से भाग जाती है। कुछ समय के बाद उजाला हो जाता है और यहाँ पे एलेक्स एरी से कहता है कि अब तुम घर जाओ, मुझे ये काम अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे बिना बताए वहां से निकल जाती है क्लारा को ढूंढने के लिए। लेकिन वहां क्लारा भाग रही थी, बस भागे जा रही थी। उसे इतनी दूर तक जाना था कि उसके पीछे कोई भी ना आ सके, लेकिन आज उसके सामने आ जाता है जॉर्ज जो कि अब उसके ही पीछे पड़ चुका है। हालांकि वो उसे नहीं जानता लेकिन वो यहाँ अकेले घूम रही है, इसका मतलब है कि साफ साफ उसके पास कुछ कनेक्शन है उन पैकेट्स को लेकर। अब क्लारा ऊंची चट्टानों के बीच में भागना शुरू करती है, उसके पीछे पड़ा था जॉर्ज, लेकिन इस बार ही उसका सामना हो जाता है थॉमस से। वो भी यहाँ पहुंच चुका था। वो उसे कुछ नहीं कहता बल्कि उसकी आंखों में देखता और कहता है कि जाओ यहाँ से भाग जाओ, और खुद जाकर जॉर्ज के सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि इन सब में वो क्लारा को घसीटना नहीं चाहता। लेकिन जॉर्ज तो क्लारा को मानना चाहता है क्योंकि अब उसे उन पैकेट्स के बारे में पता चल चुका है, पर थॉमस कहता है कि उसे जाने दो, मैं तुम्हारे सारे पैकेट्स लेकर आया हूँ, ये लो और मुझे जाने दो क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ मेरा इंतजार कर रही है। तब जॉर्ज कहता है कि मेरी भी फैमिली वेट कर रही है लेकिन पिछले 15 सालों से मैं उनके पास नहीं गया और ना ही तुम जा पाओगे। ये बोलकर वो उसे शूट कर देता और सारे बैग लेकर भाग जाता है। यहाँ क्लारा भी अब फ्री हो चुकी थी लेकिन बाहर निकलते समय उसे एरी की बाइक दिख जाती जिसका ये साफ मतलब है कि वो अंदर ही है और खतरे में है, इसलिए वो एरी के लिए दोबारा अंदर जाती है और देखती है कि जॉर्ज ने एरी को पकड़ रखा है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन जॉर्ज गोली चला देता है जो जाकर उसके पेट में लगती है और वो गिर जाती है। अब इसी का फायदा उठाकर एरी जॉर्ज को धक्का दे देती है जिसके वजह से वो जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है और मौका देखकर वो फौरन क्लारा को उठाती है और अपनी बाइक पर बिठा लेती है और यहाँ से सीधा भागना शुरू करती है। लेकिन यहाँ जॉर्ज के सर पर खून सवार हो चुका था, वो पागलों की तरह इनके पीछे पड़ चुका था। तभी यहाँ एंट्री होती है एलेक्स की जो उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन इन गोलियों के बावजूद वो उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ता और इसी वजह से एरी बाइक की स्पीड तेज करती है, लेकिन इतने में पीछे बैठी क्लारा नीचे गिर जाती है। यहाँ पे जॉर्ज को मौका मिल जाता है, वो बिना कुछ सोचे समझे केरोसिन की कैन पूरी एरी के ऊपर खाली कर देता है क्योंकि अब वो उसे जिंदा जलाने वाला था। लेकिन तभी क्लारा को होश आता है और वो उन पैकेट्स में आग लगा देती है। अब ये देखकर जॉर्ज पागल हो जाता है और खुद को रोक नहीं पाता, वो उस आग में कूद जाता क्योंकि वो पैकेट उसे खुद की जान से ज्यादा कीमती लग रहे थे। वो आग को बुझा तो नहीं पाता लेकिन हाँ उसमें जल कर जरूर मारा जाता है। तभी वहाँ एलेक्स भी आ जाता है और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसे गले से लगा लेता है। इधर क्लारा भी ठीक थी, तभी उसे अपने साइड में वही नशे का पेड़ मिलता है जिसके लिए वो यहाँ तक आई थी, पर उसके साथ कुछ और ही हो गया। आपको क्या लगता है कि अगर प्लेन के पास क्लारा ना जाती और थॉमस की मदद ना करती तो ये सब होता? क्या उसकी मदद करके उसने सही किया? इस सवाल के साथ ये कहानी यही अंत हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।